अलादीन नाम तो सुना होगा, मैं सब पहुंच चुके हैं दरगाह। जैस्मिन और अलादीन भी यहां मौजूद है। जैस्मिन सबको शबे बारात की शुभकामनाएं देती हैं। शो में फिलहाल सब दरगाह में इसलिए पहुंचे हैं ताकि वो जीनों को जफर से बचा सके। अम्मी यहां पर दुआ पढ़ती है क्योंकि उनकी दुआ में ही इतनी ताकत है कि वो जीनों को वापस ला सके। सभी इस दुआ का हिस्सा बनते हैं। जीनो भी अपनी अम्मी और जफर के बीच बढ़ चुका है। अम्मी की दुआ सुन जीनो अच्छा बन जाता है। वहीं जफर की कोशिशों के चलते उसके अंदर की बुराई बाहर आ जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सब मिलकर अच्छे जीनों को वापस ला पाएंगे। आइए जानते हैं खुद जिन से कि उनका इस बारे में क्या कहना है और स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी। मैं हूं आपका अपना राशुल टंडन और आप मुझे देखते हैं जिन के रूप में। अलादीन नाम तो सुना होगा। अब जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे जश्न वश्न की तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ दरगाह में पूजा पाठ चल रहा है, बहुत लोग मिलते मना रहे हैं। सो बेसिकली ये एक चीज़ कही गई कि शबे बारात आज है और रोज़ाए माफ़ी रखने के बाद आज जो इस दरगाह पे जो एक तरीके से पूजा की जाएगी वो हमारी अम्मी करेंगी। और अम्मी के करने से फ़ायदा ये है बिकॉज इन लोगों ने कुछ बातें अपनी क्लियर की हैं। ये चांद मोहर पे चांदनी रात और साथ ही साथ अगर अम्मी और दुआ पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा और जीनू बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। ये वही सारी तैयारियां चल रही हैं और ये वही सारी प्लॉटिंग है जिसमें कि उसे जिटर हो रहा है, फिक्र हो रहा है और वो बार बार कभी ना कभी थोड़ा परेशान होता है। कुछ चीज़ें उसको याद आती हैं लेकिन फिर नहीं भी याद आती हैं। सो कमाल का आगे सीक्वेंस आने वाला है। हमको श्योर यू विल बी लाइकिंग इट वेरी मच। सो बेसिकली जफर के लिए जो राजे कायनात तक पहुँचने की सीढ़ी है वो एक लौता वो जिन है जो वो कर सकता है, लेकिन अभी चूँकि ये सभी लोग मिलके फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा वो अच्छा जीनू वापस आ जाए, लेकिन ज़फ़र बुराई अपनी तरफ खींचती है हमेशा। तो ज़फ़र कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि नहीं ये वापस ना जाए और मेरे जो मकसद है उसको पूरा करने में मेरी मदद करे। अब आगे देखना ये होगा कि जीतता कौन है।